आईपीएल 2021 का 24वां मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ली। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों में ओपनर्स द्वारा शानदार शुरुआत रहा। जॉस बटलर शानदार बल्लेबाजी करके 32 गेंदों में 41 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में क्विंटन डीकॉक द्वारा स्टंप आउट हुए और यशस्वी जायसवाल भी शानदार पारी खेलकर 20 गेंदों में 32 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। वे बटलर और संजू सैमसन के साथ अच्छी साझेदारी बनाए। तीसरे स्थान पर उतरे कप्तान संजू सैमसन शानदार बाउंड्री के साथ शुरुआत किए। वे अपने पारी में मात्र 27 गेंदों में 42 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल के बाद उतरे शिवम दुबे भी शानदार खेल खेलकर 31 गेंदों में 35 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। संजू सैमसन के बाद उतरे डेविड मिलर अंत तक 4 गेंदों में 175 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके की मदद से 7 रन बनाए और रियान पराग भी अंत तक 7 गेंदों में 114.29 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके की मदद से 8 रन बनाए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट द्वारा शुरू किया गया। ट्रेंट बोल्ट अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 9.25 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन देकर 1 विकेट चटकाए। उन्होंने संजू सैमसन का विकेट लिया और जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 3.75 इकोनॉमी रेट के साथ 15 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने शिवम दुबे का विकेट लिया। वहीं जयंत यादव 3 ओवर में 12.33 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। नाथन कुल्टर 4 ओवर में 8.75 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन दिए और वही राहुल चाहर शुरुआत से ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। वे अपनी 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट चटकाए और कुणाल पांड्या 1 ओवर डाल के 12 इकोनॉमी रेट के साथ 12 रन दिए। कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरते ही आक्रामक खेल खेल रहे थे, लेकिन जायसवाल का विकेट गिरने के बाद थोड़ी धीमी गति से खेलने लगे और वे 5 चौके की मदद से 155.56 स्ट्राइक रेट के साथ 27 गेंदों में 42 रन बनाकर इनिंग्स के 18वीं ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। जॉस बटलर शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और वे अपने करारे चौके छक्कों से स्कोर को आगे बढ़ाए। वे यशस्वी जायसवाल के साथ 66 रनों की साझेदारी बनाने के बाद राहुल चाहर की गेंदबाजी में इनिंग्स की 8वीं ओवर की चौथी गेंद पर फ्रंट फुट आकर एक भारी शॉट मारने का प्रयास किए, लेकिन मिस होके स्टंप आउट होकर पेविलियन लौट गए और वे अपने इनिंग्स को 32 गेंदों में 128.13 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 41 रन बना के समाप्त किए। शिवम दुबे शानदार बल्लेबाजी करके संजू सैमसन और डेविड मिलर के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे अपने पारी में 31 गेंदों में 112.90 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। युवा भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल इस मैच में अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए। वे शुरुआत से ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। वे दिग्गज खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और अच्छा खेल खेलकर 20 गेंदों में 160 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए और जब वे मैदान छोड़ रहे थे बहुत उदास दिखाई दिए। राहुल चाहर अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही जॉस बटलर का विकेट लेकर बटलर और जायसवाल की जोड़ी को तोड़ दिए।
और उनके अगली ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल को भी आउट करके राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर्स को पेविलियन पहुंचा दिए। वे अपने चार ओवर की कोटा में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ दो विकेट चटका के 33 रन दिए। 172 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों में शुरुआत अच्छा रहा। कप्तान रोहित शर्मा शुरुआत में धीमी गति से खेल रहे थे और वे केवल 14 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में चेतन साकारिया को कैच देकर आउट हुए और क्विंटन डीकॉक जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए और वे 50 गेंदों में 70 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे स्थान पर उतरे सूर्य कुमार यादव अच्छी पारी की शुरुआत किए। वे अपने तगड़े फॉर्म के साथ शुरू किए थे लेकिन 10 गेंदों में 160 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 16 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में जॉस बटलर को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कुरनाल पांड्या भी शानदार बल्लेबाजी करके 26 गेंदों में 39 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। पांचवी स्थान पर उतरे किरण पोलार्ड शुरुआत से ही करारे शॉट लगाए। वे अंत तक शानदार बल्लेबाजी करके 8 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ एक छक्का और दो चौके की मदद से 16 रन बनाए और वे खेल को एक चौके से समाप्त किए। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 7 विकेट से जीत हासिल किए। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी चेतन साकारिया द्वारा शुरू किया गया। चेतन साकारिया इस मैच में अपना प्रभाव दिखाने में असफल रहे और वे अपने 3 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 18 रन दिए। जयदेव उनादकट भी इस मैच में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाए। वे अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए। वही मुस्तफिजुर रहमान अपने पारी के पहली गेंद पर ही चौका दे दिए और फिर अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 10.57 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन देकर एक विकेट लिए। उन्होंने कुरनाल पांड्या का विकेट लिया। क्रिस मॉरिस शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए और राहुल तिवाटिया इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे अपने 3 ओवर में 10 इकोनॉमी रेट के साथ 30 रन दिए और शिवम दुबे एक ओवर डाल के 6 इकोनॉमी रेट के साथ 6 रन दिए। क्विंटन डीकॉक शुरुआत से ही जबरदस्त बल्लेबाजी करके रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और कुरनाल पांड्या के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे आक्रामक खेल खेल कर करारे शॉट लगाए। वे अपने इनिंग्स में 50 गेंदों में 140 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 70 रन बनाकर नाबाद रहे। वे अंत तक खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाए। कुरनाल पांड्या शानदार बल्लेबाजी करके क्विंटन डीकॉक के साथ 61 रनों की साझेदारी बनाए। वे 17 ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे 26 गेंदों में 150 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 39 रन बनाए। क्रिस मॉरिस शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया।